ग्वालियर के एसपी कार्यालय में पुलिस जनसुनवाई के दौरान लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। इस पूरी घटना में एक विशेष समुदाय के युवक ने पहले अपनी पहचान छुपाकर नाबालिग लड़की से बातचीत शुरू की, लेकिन जैसे ही पीड़ित लड़की को आरोपी युवक की असलियत पता चली उसने बातचीत से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी युवक असलम खान पीड़ित से आए दिन राह चलते छेड़छाड़ करने लगा। इन सबसे तंग आकर पीड़ित नाबालिग लड़की ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। पीड़िता ने बताया कि वह युवक सोशल मीडिया पर मेरे भाई के साथ के फोटो एडिट कर अपना फोटो लगाकर वायरल कर रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है। पूरी घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के गेंडे वाली सड़क इलाके की है। यही शिकायत है कि वो मेरे भाई को परेशान करता है और मेरे भाई को मारपीट करता है और मुझे भी परेशान करता है, मेरे घर वालों को भी परेशान करता है और मुझसे बोलता है मेरे से शादी का कर। उसका नाम अरवान खान है, मुझसे थोड़ी दूर है, मुरब्बर की चक्की गेंडे वाली सड़क पकड़ा मंडी के पास। तो पसंद के मुक्त कर रखे वजह वजह मुझे पता नहीं, और इसने मेरे फोटो भी वायरल कर रखे हैं। मेरे भाई के साथ फोटो थे, इसने मेरे फोटो भैया को हटा के मेरे फोटो वायरल कर दिए हैं। मेरा किस पे पता नहीं किस पे करता है, कहीं इंस्टाग्राम पे डालता है, कहीं व्हाट्सएप पे डालता है, ऐसे। कब से पसंद कर रहा है? एक महीने हो गए, एक दो महीने। स्कूल भी नहीं जा पा रहे हो? नो, स्कूल में इसी चक्कर में रहते, कोई रास्ते में मेरा पीछा करता है। अच्छा जी, पहली बार धमकी देता है क्या? हाँ धमकी देता है। हाँ धमकी देता है ना, मैं तेरे भाई को मार दूंगा कि जान से खत्म करने का। अच्छा जी, खतरा है जान को भी? हाँ जान को खतरा है आपके? जी मेरी जान को, मेरे भाई के जान को बहुत खतरा है। भाई ने विरोध किया था क्या उसका? भाई ने उससे बात की थी? भाई ने उसको समझाया कि बेटा देख समझ जा, पर ये समझा नहीं। फिर मेरे भाई ने बोला कि ऐसे ये मानेगा नहीं, इससे हमने रिपोर्ट की थाने में, हमने कार्रवाई की नहीं। फिर आज हम अधिकारी ने बोला कि बेटा काम होगा, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भी बताया गया है। और उसमें उसका ये भी बात आई है कि उसके जो भाई है उसके साथ में उस लड़के का परिचय होगा, और फिर भाई के साथ जो इसके फ़ोटो थे उसमें से कुछ उसने करके व्हाट्सअप वगैरह भी किया है, फेसबुक में किया है, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और उसी की कार्रवाई होगी। इसमें इनका जो बताना है, बीच में 164 के बयान में कुछ अलग बात बताई थी लड़की ने, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में जटिलता आ रही है। आज जो इन्होंने बताया है तो हमने कहा है कि आप इस चीज़ को ले जाके अभी कार्रवाई करने के लिए TI को बताया कि जो मैं जल्दी होगी उस पर कार्रवाई करें। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।